वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ज्वाइन करेगा बीजेपी। एक बड़े नेता की आज बीजेपी में ज्वाइनिंग है। उत्तर प्रदेश का नेता बताया जा रहा है, जेपी नड्डा की अगुवाई में ज्वाइन करेगा बीजेपी। 1 बजे अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्वाइन करवाएंगे। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन करेगा। एक बड़े नेता की आज बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी। उत्तर प्रदेश का नेता बताया जा रहा है, जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी को ज्वाइन करेगा। तो 1 बजे अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्वाइन करवाएंगे। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड मनीष मिश्रा। तो मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कौन सा बड़ा वो नेता है कांग्रेस का जो बीजेपी में ज्वाइन करेगा? देखिए प्रिया, आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पे। उसके बाद खलबली मच गई कि कोई एक बड़ा नेता कांग्रेस का आज 1 बजे बीजेपी में शामिल हो रहा है। उसके बाद से अटकलों का दौर काफी तेज हो गया है, ट्वीट्स में भरपार आ गई है, कई बड़े नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। पर अगर हम जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो समीकरण रहता है वो हमेशा से किसी न किसी, अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आएगा तो यकीन मानिए कोई ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया जा सकता है, किसी ब्राह्मण चेहरे पे दांव लगाएगी बीजेपी, या फिर पिछड़ा वर्ग से कोई नेता आ सकता है। कई नामों पे चर्चा चल रही है, कई बड़े नामों की भी चर्चा चल रही है। पर अब देखना ये होगा कि 1 बजे किसको लाया जा सकता है। आपको बता दें कि 2-3 नामों पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि हो सकता है वो जितिन प्रसाद हो सकता है, प्रमोद तिवारी हो सकता है, कि वो गुलाम नबी आजाद हो, पर अभी कोई नाम निश्चित नहीं किया गया है। खाली एक ट्वीट आया है बलूनी का कि राज्यसभा सांसद जो है उनका, कि 1 बजे एक बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस से इस चुनावी समर में बीजेपी के नाव पे सवार होता है। हालांकि कोई भी अगर नेता आता है तो ये कांग्रेस के लिए एक ड्रॉबैक होगा, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। अगर बड़ा चेहरा जिस हिसाब से बताया जा रहा है, कोट किया जा रहा है, उस तरीके से अगर कोई बड़ा चेहरा आता है तो यकीन मानिए 2022 का चुनाव अब दूर नहीं है, सारी पार्टियां उसमें तैयारी में लग चुकी हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता आता है तो ये बीजेपी के लिए तो प्लस प्लस रहेगा ही, प्लस जो कांग्रेस है उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहेगा। प्रिया बिल्कुल मनीष जी, एक चीज और कि यूपी में कांग्रेस जनाधार ना के बराबर है, और ऐसे में कांग्रेस का एक बड़ा नेता अगर बीजेपी में शामिल हो रहा है तो क्या लगता है कहां तक कांग्रेस को क्षति पहुंचेगी इससे? देखिए यकीनन निश्चित तौर पर प्रिया, अगर कोई भी बड़ा ऐसा नेता आता है और वो भी इस वक्त जब आप चुनावी रणनीति तैयार करते हैं, चुनावी मूड में आ चुके होते हैं, कुछ महीनों का समय बचा होता है चुनाव में, उस समय अगर कोई भी किसी पार्टी का बड़ा नेता टूटता है तो यकीन मानिए उस पार्टी के लिए बहुत क्षति पहुँचती है, बहुत ही ज़्यादा उस पार्टी के लिए नुकसान होता है। हालांकि बीजेपी में भी अगर आप ट्वीट हमने देखे थे, उसके बाद उसमें जो कमेंट्स थे या उसमें जो कमेंट्स भी आए थे, उसमें भी देखने को मिला था एक कहीं ना कहीं जो पार्टी कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, वो भी कह रहे थे कि आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा समय दीजिए, उनको भी ऊपर उठाइए, ना कि बाहर से किसी को लाइए। पर जब चुनाव होता है तो पार्टियों में आना जाना उठा पटक देखने को मिलती है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो ये आपको यकीन मानिए अभी ये शुरुआत है, आगे आने वाले समय में देखेगा, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में हो, बीजेपी से कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, बसपा में हो, ये दौर अब शुरू हो रहा है और इसमें बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने मिलेगी। पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो हमेशा से जातिगत राजनीति रही है, तो इसमें ये देखना बहुत बड़ा अहम होगा कि आज जो नेता ज्वाइन कर रहा है वो किस वोट बैंक को खींचता है, क्या वो ब्राह्मण फेस का होता है, ब्राह्मण वोट बैंक खींचता है, कि पिछली जाति का कोई एक और नया चेहरा सामने लाते हैं। ये 1 बजे तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कई नामों पे अटकलें लग रही हैं, पर अभी क्योंकि नाम सही नहीं है इसमें लेना अभी, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, बट ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ देर बाद अब 1 बजे जब जेपी नड्डा उनको ज्वाइन कराएंगे तो सबके सामने होगा। पर यकीन मानिए जो अगर ब्राह्मण नेता का जो नाम चल रहा है अगर वो आता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगेगा कांग्रेस को। प्रिया
जी मनीष जी, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जितिन प्रसाद का जो नाम है वो इसमें आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो जितिन प्रसाद ही हैं जो बीजेपी में ज्वाइन होंगे? ये भी कहा नहीं जा सकता कि हालांकि नाम उनका सबसे ऊपर चल रहा है, उनके पुराने ट्वीट्स भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद योगी आदित्यनाथ ने उनको उनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं दी थी और उन्होंने उनको रिप्लाई करके उसके लिए धन्यवाद भी दिया था। पर अभी क्योंकि नाम सामने नहीं आया है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ब्राह्मण चेहरा आता है, पश्चिम से आता है, तो ये झटका बहुत बड़ा होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर न केवल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बल्कि आस पड़ोस के राज्य राजस्थान तक भी इसकी धमक देखने को मिलेगी प्रिया। पर बहुत दिलचस्प होगा, इतना बड़ा अगर कोई नाम आ रहा है, इतना बड़ा अगर कांग्रेस को कोई नेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है, उसको क्या पद मिलता है यहाँ पे, क्या क्या उसकी भूमिका रहती है, ये भी आगे वाले देखने में समय रहेगा। पर ये बहुत बड़ा झटका रहेगा कांग्रेस के लिए इस चुनावी समर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नेता बताया जा रहा है जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी को ज्वाइन करेगा। तो लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 1 बजे अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्वाइन करवाएंगे। तो बीजेपी में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अब बीजेपी ज्वाइन करेगा। तो इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत गोल्ड सिटी अपहरित महिला का नया वीडियो जारी, वीडियो में महिला खुद को सेफ बता रही है, मामले में अभी भी कई आरोपी फरार हैं। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सुशांत गोल्ड सिटी अपहरित महिला का नया वीडियो जारी हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवा शर्मा। तो शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है इस खबर को लेकर? देखिए प्रिया, जिस महिला का अपहरण आज से तकरीबन 3 दिन पहले सुशांत गोल्ड सिटी इलाके से हुआ था, पुलिस ने और एसटीएफ की टीम ने उसको वर्कआउट करते हुए देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम संतोष चौबे और सूर्या है। इसके साथ साथ 8 और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिला का न सिर्फ अपहरण किया था बल्कि उसका वीडियो बना करके उनके जो अधिवक्ता पति है उनको भेजा था और उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। चूंकि लखनऊ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और महिला थी और जो उनके पति थे वो अधिवक्ता पेशे में से, ऐसे में प्रेशर बहुत ज्यादा था और लखनऊ पुलिस ने इस केस को वर्कआउट करने के लिए यूपी एसटीएफ की मदद मांगी थी और ये 3 दिन में कहा जाएगा कि इसके बहुत अच्छी केस से बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर लिया और लखनऊ के ही मोहनलालगंज इलाके से उस महिला को सकुशल बरामद कर लिया है और उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो 8 और अन्य नाम थे जिन्होंने इस महिला का अपहरण किया था, जिनके नाम अभी ओपन किए नहीं गए हैं पुलिस टीम की तरफ से क्योंकि उनकी गिरफ्तारियां करना बाकी है, ऐसे में अगर मीडिया में नाम डिस्क्लोज हो जाएंगे तो उनके भागने की संभावनाएं और बहुत ज्यादा हो सकती है, इसलिए लखनऊ पुलिस की कई टीमें और एसटीएफ की पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में जो संभावित ठिकाने हैं, जो एक गिरफ्तार अभियुक्त से लीड मिल रही है, उन जगहों पर छापेमारी कर रही है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में अगर कहीं पर भी चूक होती तो एक बड़ा एक इंसिडेंट हो सकता था, ऐसे में लखनऊ पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम को जरूर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कम समय में उस महिला को सकुशल बरामद कर लिया है और 1 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवाजी, जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी? देखिए, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसको रात में ही सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दाखिल कर दिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, साथ ही साथ उस गाड़ी को भी बरामद करना लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वो केस में इन्वॉल्व थी अपहरण के और उन 8 लोगों को गिरफ्तार करना है। फिलहाल उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और जो संतोष चौबे और सौर्या है वो आर्मी से बताया जा रहा है कि पेशे से था, आर्मी पेशे से था, उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी, ऐसे में वो किन लोगों के साथ लखनऊ के अंदर रह रहा था और किस किस तरीके की आपराधिक घटनाओं में वो शामिल था, लखनऊ पुलिस के लिए इंटरोगेशन का एक वो विषय है। हालांकि 8 लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ पुलिस के लिए एक पहली प्रायोरिटी है ताकि इस गैंग का पर्दाफाश किया जाए और अगर इन्होंने कोई और वारदातें लखनऊ या लखनऊ के बाहर अन्य जिलों में की है तो उसको भी सामने लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, तो बड़ी खबर लखनऊ से जहां पर सुशांत गोल्ड सिटी अपहरण स्थित महिला का एक नया वीडियो जारी हुआ है। आपको बता दें कि वीडियो में महिला खुद को सेफ बता रही है, मामले में अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं।
सुशांत गोल सिटी अपहरित महिला का एक नया वीडियो जारी हुआ है। आपको बता दें कि वीडियो में महिला खुद को सेफ बता रही है। मामले में अभी भी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है। बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी भी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सुशांत गोल सिटी अपहरित महिला का एक नया वीडियो जारी हुआ है और इस वीडियो में महिला खुद को अपसेफ बता रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।